गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के सब्जेक्ट हमको दो बरदान कविता चैप्टर 1। पहले आप लोग ये बुक खोल लीजिए, हिंदी का किताब को खोलिए और पेज नंबर 10 ओपन करिए। आज ये कविता आप लोगों को मैं पाठ करके सुनाने वाली हूँ। आप लोग पहले ध्यान से मेरा पाठ को सुनिएगा, फिर मैं आप लोगों का इसका व्याख्या करूँगी। हे भगवान तुम्हें प्रणाम, हमको दो अपना वरदान। तेरे बच्चे हम हैं सच्चे, खूब पढ़े और खूब लिखे। बड़े होकर हम नाम करे, कभी किसी से नहीं डरे। काम करे और आगे बढ़े, नहीं रुके और नहीं थके। हम सब बालक है नादान, हे ईश्वर तुम्हें प्रणाम। यहाँ पे ये कविता में क्या बोला जा रहा है, हमको दो वरदान। यहाँ पे दिखा जा रहा है दो बच्चे हैं, दो बच्चे भगवान के पास प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे हे भगवान तुम्हें प्रणाम। वो दो बच्चे भगवान को पहले प्रणाम कर रहे, फिर बोल रहे हमको दो अपना वरदान। भगवान अपना वरदान हमको आप दो, अपना आशीर्वाद हमें आप दो। तेरे बच्चे हम है सच्चे, हम तुम्हारे ही बच्चे हैं। खूब पढ़े और खूब लिखे, हम बहुत पढ़ाई करें और बहुत लिखे, बहुत आगे बढ़े हमारे ज़िंदगी में। बड़े होकर हम नाम करें, कभी किसी से नहीं डरे। जब हम बड़े हो जाए पढ़ लिख के, तब हम बहुत नाम करें और हम कभी किसी से नहीं डरे, हमें कभी किसी से डरना नहीं है। काम करे और आगे बढ़े, नहीं रुके और नहीं थके। हमें काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, हम कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, हम लोगों को कभी थकान नहीं आए, हमें ऐसे वरदान आप दो। हम सब बालक है नादान, हे ईश्वर तुम्हें प्रणाम। हम जो सब बच्चे हैं, बालक हैं, वो सब हम बहुत नादान हैं। आप हमें अपने वरदान दो, अपना हमारा प्रणाम लो और अपना वरदान हमें दो। ओके, ये पोएम हमको दो वरदान में पढ़ के आप लोगों को सुनाया। आप लोगों को अभी क्या करना है, पहले अपना हिंदी का नोटबुक खोलना है। खोल के ये जो कविता है इसको पहले ऊपर हेडिंग दे के लिखना है, हमको दो वरदान। फिर ये कविता को आपको पूरा एक पेज में लिखना है और एक पेज में ये जो देख रहे हैं आप पिक्चर बना हुआ है सुंदर सा, इसको आपको ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके उस पर कलर करना है। ये आपका हिंदी का एक एक्टिविटी है, इसको आपको अच्छा से पढ़ के एक पेज में लिखना है और इसको आपको एक पेज में ड्रॉ करना है और एक पेज में ड्रॉ करना है। ओके, आप लोगों का ये काम रहेगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को शब्दार्थ लिखाने वाली हूँ। ओके, ठीक है, थैंक यू।